हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल दुनूर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो तलवार फेंकने वाली आजकल टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो बड़े आसानी से आप 2 मिनट में इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है काइनमास्टर। दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं सीधा काइनमास्टर में और इस तरह का वीडियो एडिटिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, काइनमास्टर ओपन करने के बाद में यहां से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, 9 और 16 का यहां से एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां से जाएंगे सीधा मीडिया ब्राउजर में। आपको अपना वीडियो अब यहां पे सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों, आप किस तरह का एक्टिंग करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको यहां पे एक सैंपल दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, हमने इस तरह से वीडियो शूट की थी। हम आपको एक बार प्ले भी करके दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए, यहां पे हमने एक्टिंग किया था अपने वीडियो में। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो के साउंड को हम म्यूट कर देंगे। तो सिंपली यहां से ऑडियो में जाएंगे, यहां से साउंड को इसके बंद कर देंगे। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। फ्रेंड्स, यहां पे एक सेटिंग और ये करना रहता है। यहां पे प्रोजेक्ट सेटिंग में जाएंगे, इसका ऑडियो फेड आउट बंद कर देंगे। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। इससे क्या होगा, आपके वीडियो में लास्ट में जाके साउंड स्लो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, देखिए लास्ट हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है, तो देखिए जहां तक आपका हाथ ऊपर रहता है वहीं तक हमें वीडियो को रखना है। तो सीजर पे जाते हैं, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देंगे। और अगर आपके वीडियो में स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, कुछ वेस्टेज पार्ट है, तो सिंपली यहां से स्लाइड करके इस तरह से आप स्टार्टिंग से भी यहां से ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करके काट सकते हैं। उसके बाद यहां से ओके करेंगे। दोस्तों, वीडियो को उस पोजिशन पर लेके चलते हैं जहां पर आप तलवार फेंकने की या तलवार थ्रो करने की इशारा करते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहां पर हम, ये वो पोजिशन है हमारा, यहीं पे वीडियो को रखेंगे, सीजर पे जाएंगे, स्प्लिट एट प्ले हेड करके काट देंगे। उसके बाद यहां से ओके कर देंगे। अगेन इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्पीड कंट्रोल में जाएंगे। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे यहां पे आपको स्लो मोशन इफेक्ट देना है। तो सिंपली यहां से जितना आप कम करेंगे इस तरह से, उतना ही आपका वीडियो स्लो होता जाएगा। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमारा वीडियो स्लो मोशन बन चुका है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, इसी पोजिशन पर दोस्तों रखेंगे, लेयर पर जाएंगे, यहाँ से इफेक्ट में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है FX वाला, इफेक्ट में जाकर यहां से बेसिक इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां से पहला इफेक्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहां से ओके करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से यहां पे जूम करके फुल स्क्रीन में कर देंगे। देखिए, इस तरह से, इससे क्या होगा, आपका वीडियो बैक साइड में ब्लर हो जाएगा। यहां से ओके कर देते हैं। दोस्तों, अब यहां पर आपको तलवार फेंकने वाली ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए दोस्तों, यहां पर स्टार्टिंग पोजिशन पर आ जाएंगे। देखिए, थोड़ा सा जब आप हाथ इस तरह से एक्टिंग करते हैं तो यहीं पर उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से लेयर में चलते हैं, मीडिया में चलते हैं और यहाँ से उस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमने वीडियो सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जाएंगे क्रोमा की में। क्रोमा की में जाने के बाद यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिएगा ताकि आपका बैकग्राउंड अच्छे से कट जाए। दोस्तों, वीडियो थोड़ा आगे स्लाइड करके देखते हैं। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर आपका तलवार निकलने वाला। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करके इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे इस पर क्लिक करेंगे, ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पे। यहाँ से थोड़ा आगे पीछे करके इसको मैच कर लीजिएगा। साउंड इफेक्ट देने के लिए अगर आपके पास ऑडियो है तो यहाँ से डायरेक्ट ऑडियो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास कोई वीडियो है, अगर आप टिकटॉक के वीडियो का साउंड इस वीडियो में यूज करना चाहते हैं, लेयर में जाके, मीडिया में जाके उस वीडियो को यहाँ से सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सीजर पर जाएंगे, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे। उसके बाद आपका ऑडियो नीचे निकल के आ जाएगा और इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। फ्रेंड्स, यहां आप देख सकते हैं नीचे आपका साउंड आ चुका है। इस वीडियो को आपको साउंड के बराबर ही रखना है। देखिए, इतना जितना आपका साउंड रहेगा उतना ही आपको वीडियो रखना है। साउंड के लास्ट पोजीशन पे आएंगे और यहां से फिर ऊपर जाएंगे। ऊपर का जो मेन आपका टाइमलाइन मेन वीडियो है, इस पर क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करके काट देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। फ्रेंड्स, वीडियो हम आपको एक बार प्ले करके दिखा देते हैं। इस वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए 3 डॉट पर जाएंगे। रिजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो बनाने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होता है, आपको काइनमास्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सवाल है, या आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से वीडियो डाउनलोड करने में कोई परेशानी होता है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स कीजिए या आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल दुलूर यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरेस्टिंग फीचर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।